एशिया कप सुपर फोर का मैच नंबर 2। जी हाँ, इंडिया के 2 लगातार मैचेस यहाँ पर हैं और कहीं ना कहीं इंडिया जो पिछला मैच हार चुका है पाकिस्तान से, ये डू और डाई मैच है। मैंने पहले भी कहा कि 3 मैचेस अगर हैं आपको 2 कम से कम जीतने होंगे सेफ रहने के लिए, किसी और पर डिपेंड ना रहने के लिए। तो लेट्स सी इंडिया क्या करता है इस मैच में। हमारे प्रेडिक्शन सही रहे थे पिछले वाले लाइव स्ट्रीम वाले, तो लेट्स सी यहाँ पर क्या होके आता है। टीम मैंने पिछले मैच की रखी है दोनों टीमों की। तेज का कॉल आता हूँ श्रीलंका की तरफ से। ऑन द पेपर बात करते हैं, ऑन द परफॉर्मेंस बात करते हैं, तो इंडिया बेहतर टीम है श्रीलंका से, इसमें कोई शक नहीं है। टॉस जीता हुआ इंडिया और बॉलिंग का फैसला किया है यहाँ पे, रन चेज करेंगे हम। पढ़ती हुई प्लेयर की इंट्रो। भाई देखिए, श्रीलंका अगर ये जीत गया तो ये सबसे उलट फेरी कहलाएगा अभी जिस दौर से गुजर रहा है श्रीलंका इस मामले में। और मेरे भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि श्रीलंका यहाँ बड़ा कोई उलट फेर कर पाएगा, इंडिया जीतने वाला ये विश्वास है। आप लोगों से उम्मीद है कि भाई 2000 लाइक का गोल पूरा कर दें। बाकी गेंदबाजी में अर्शदीप आ रहे हैं, मैं फिर से कहूँगा लास्ट मैच में जो पाकिस्तान के सामने कैच ड्रॉप किया था, इनका कैच अगर कर भी लेते तो कोई बहुत मेजर चेंज नहीं आता। 4 रन यहाँ पर विशांका के बल्ले से, पहली गेंद खराब शुरुआत टीम इंडिया की। ऐसे पहली गेंद ही खराब गई, उसके बाद तो 123 पे 5 गिरा दिए 15 ओवर में। राजपक्षा खेल रहे हैं, हसरंगा खेल रहे हैं। अब होता है ये लास्ट 5 ओवर में जम के पिटाई करते हैं, बट देखो हम कितना कंट्रोल कर पाते हैं। पंड्या डिफॉल्ट फील्डिंग यहाँ पर गेंदबाज भी जो एआई ने चुना था, आउटसाइड एज बहुत ही बड़ा सा पॉइंट पर से 1 रन। गेंदों में 30 कवर काज, थोड़ा और वाइड रखे होते रुकेगा क्या। 4 रन। लॉन्ग ऑफ, मिड ऑफ हो चुका है, कवर डीप जा चुका है, शॉट यहां पर सेंटर से, बट आई थिंक ऑडियंस के बीच में है, बाउंड्री के पार है। 6 है हसरंगा, जिस तरह से 9 में 17 मारे हैं। बीट, क्या शानदार पेस, 147, परफेक्ट जंप, आइडियल रिलीज। रवि बिश्नोई काफी इंप्रेस किया था इन्होंने पिछले मैच में। यहाँ पर गैप रोकने की उम्मीद है मुझे, पैर यार अब जब आप क्रिकेट में कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं यार जो हर बंदे की नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होती है यार। अब दौड़ते दौड़ते कौन सा फील्डर है यार जो अपना पैर टच करवा देगा। अगली गेंद आउटसाइड एज लग रही है, मतलब यार ये तो बेसिक रूल्स हैं, ये भी अगर डेवलपर्स नहीं सॉल्व कर पा रहे तो क्या किया जाए। ट्रेट नहीं चाहता मैं ये खेलें, बाकी सारा चलेगा। एक और आउटसाइड एज, एक और डॉट, बहुत ही बढ़िया खेलते हुए अलेक्स साइड खेल दिया, गैप बना दिया है फील्डर चेज करते हुए, बट इनकी रेंज से दूर रह गई है। 4 रन, फील्डर भी बाउंड्री के पार, गेंद भी बाउंड्री के पार। अब बड़ा हिट ना पड़ना, अभी मैं कहूँगा 9 रन। अरे अब भारी पड़ गया ये लास्ट शॉट जो बड़ा मारा है ना, वन बाउंस बाउंड्री स्ट्रेट में, भारी पड़ गई। 13 रन, पंड्या के अच्छे खासे, फिर सीधा, फिर से 4, इस बार भी वन बाउंस। श्रीलंका का रन रेट 10 के पार, बॉटम है, ये एक्सपेक्टेशन भी थी, वाइड यॉर्कर रख रहे हैं। 15 गेंदों में 27, फिर भी टॉप स्टंप पर, सही है, पैर ज़्यादा निकाल नहीं रहे हैं, कनेक्शन बना नहीं पा रहे हैं, बन रहा है तो बॉटम है जिस लग रही हैं, दम नहीं दे पा रहे गेंद को, रोक सको तो रोक लो, लेकिन ये बात गे बल्लेबाज के लिए साबित हुई है। कवर से 6 चढ़ते हुए, पहली 2 गेंदों पे तो हमने इनको बीट करा दिया, बट उसके बाद इन्होंने अपने नाम किया है गेंद को। सीधा रखना चाहता हूँ, पॉइंट पे सिलेक्शन, बाउंड्री एक और, 3 बड़े हिट ओवर से, ओवर अपने नाम श्रीलंका ने किया है। दीपक हुडा, अरे ओवर समाप्त हो गए, अब क्या किया जाए। खिलाड़ी के कैच का साउंड है, बट मुझे नहीं लग रहा। जी हाँ, 6, जो रन मार रहे हैं ना ये सब भारी पड़ेंगे। एक्चुअली 10 का रन रेट नहीं हुआ है अभी। ओके, मैं कुछ गलत कैलकुलेशन कर गया था। 2 गेंदों में 6 और स्टंपिंग, गेम फिर अपना है यार, मूड बिगाड़ता हुआ। हसरंगा यार, और मैं आपको बता दूं भाई, मैं सबसे फास्टेस्ट क्लिक कर रहा हूं, इससे ज्यादा रिस्पांस है ही नहीं, क्या चल रहा है। वो आउट ही होना चाह, खुद आउट होना चाह रहे हैं। लो 6 मार दिया, 12 रन ओवर से, अभी एक गेंद बाकी है, कौन लगेगा बड़ा हिट। लक्षण ही ऐसे जो मिस हो रहे थे तो रिएक्शन नहीं है। 6 एक और, 18 रन ओवर से, पक्षा फ्लिक शॉट, गैप फील्डर से एक ही है, नामुमकिन है उसके लिए रोक पाना, अगर थोड़ा बहुत क्लोज भी होता तब भी गारंटी है कि नहीं रोक पाता। 5 गेंदों में 14 रन, और ये स्ट्रेट, और ये है 4, 1 बाउंस। अरे बाप रे, यहाँ पर इनके भी 50 पूरे, भानु का राजपक्षा, दोनों खिलाड़ी विकेट नहीं दिए हैं, रन बहुत कर दिया। बिग गेंद डॉट गई है तो मन में इच्छा जगी है, और ये काफ़ी दूर से बॉटम से खेला हुआ है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये 6 है। 196 हो चुका है, 200 से 1 शॉट दूर है, 2 गेंदों में 4 करना है, मोस्टली मुझे लग रहा है कर ही लेंगे। मिडल पैरों पे गेंद, फ्लिक शॉट, 4 रन, 200 पूरे करते हुए यहाँ पे राजपक्षा।
आखिरी गेंद पैरों पर फिर से, इस बार कैच का मौका, कप्तान रोहित करेंगे कैच, बट तब तक 200 का जो टारगेट है इंडिया के स्कोर कार्ड पे लग चुका है। इंडिया को 201 रन करने इस मैच को जीतने के लिए। लास्ट विकेट, काश ये विकेट पहले आई होती, काश स्टंपिंग सही किया होता, काश वो घटिया फील्डिंग नहीं की होती जो गेम में है, लॉजिक उनका मेरे हिसाब से सेटिस्फाई होगा श्रीलंका, 201 रन परफेक्ट टारगेट है। ये बन के आई है समरी, राजपक्षा और हरसंगा ने ही संभाला है लास्ट 30 गेंदें। अजदीप रैन टॉप गेंदबाज, बट रन ज़्यादा दिए हैं। शर्मा और राहुल आएंगे एज अ ओपनर, टारगेट है मुश्किल, मौका ऐसा है कि भाई आज नहीं खेले तो बाहर हो जाओगे। पहली ओवर असीता फर्नांडो, बैकफुट क्या पंच मारा है, बट फील्डिंग भी उतनी कमाल की रही है, वन हैंड स्टॉप एक रन। बैटिंग चल गई है, 15 ओवर में 146 55 रन चाहिए, 5 ओवर में 11 का रिक्वायरमेंट। कोहली खेल रहे हैं विद यादव एज अ ओपनर, रोहित और केएल ने अच्छा खेला है, 80 की पार्टनरशिप। यादव फर्स्ट बॉल, यॉर्कर लेट हो गए, लेट मिस, स्पिनर में यही दिक्कत है। बाउंसर, अरे यार ये गेम है क्या है यार। ऊंचा गेंद था, चलो ठीक है बीट, आउट नहीं है, डोंट वरी, एम्पायर ने ऐसे ही मजे के लिए थर्ड एम्पायर को यूज़ किया है। 3 गेंदों में अभी तक कुछ बड़ा मेजर शॉट नहीं, फिर एक बार लेट मिस, काफी निराशाजनक हुआ है। कोहली ठीक है, इस बार लपेटा है 6 के लिए, पहली भी 2 गेंदों को करना ही था सेम शॉट पर, लेट मिस हो रहे थे तो पिछली गलतियों से सीखा इस गेंद को बेहतर खेलते हुए। ठीक है, ठीक है कि नहीं है गेंद गिरने के बाद पता लगेगा, बहुत सही है, 6 रन 2, 50 भी पूरा कर दिया है किंग कोहली ने, 24 में 54, रन रेट काफ़ी क्लोज है 12 के, नहीं चाहेंगे हम जाए उसके पास। और स्पिनर, आई हेट देम, स्ट्रेट खेला है, गैप बहुत ही सही है, अगर रहता है ये गैप लंबे समय तक तो हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, बल्लेबाज बदल रहे हैं, 3 रन, बहुत ही अच्छा डाइविंग एफर्ट, इसमें 54, बड़ा शॉट, कवर पता है खाली है पूरा, कोई है नहीं दूर दूर तक रुकने वाला, 4 रन। टीम में जो कमियां हैं उसकी ऊपर निगाहें बनाई हैं, एजेस, पहली बार तो मुझे उम्मीद नहीं थी कनेक्ट करेगा, मैंने शॉट ऐसे ही खेल लिया था कि चलो ठीक है ऐसे भी वाइड ही जा रहा है तो बेहतर है शॉट ले लो। ठीक है, रनिंग कमाल है, 3 रन, गेंदों में यार, लॉफ्टेड खेलूँ ग्राउंड खेलूँ, मन में यही चल रहा था, बटन जाके रुकी थी ग्राउंड शॉट पे और वो आउटसाइड एज बन गया, आउट। यादव एक बार फिर, मतलब जल्दी जाते हुए, पिछली बार भी यादव आए थे बट थोड़ा जल्दी चले गए थे, इस बार भी जल्दी चले गए, मतलब अपने तरीके से तो रन मारे उन्होंने 23, बट श्रीलंका वापसी करता हुआ इस मैच में तो हम नहीं चाहेंगे, बट यहाँ पर कुंगफू पंड्या, हार्दिक पंड्या को भी शून्य पर पवेलियन भेजते हुए। हसरंगा, 2 बैक टू बैक विकेट्स, लॉफ्टेड अप्रोच नहीं चलता हुआ, अभी तक चला था इस गेंद के पहले तक चला था, बट अब इन 2 गेंदों पर इन्होंने मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया, ना ही चलने वाला एटीट्यूड चल रहा है तो अवॉइड करेंगे, देख के लेंगे फुल लेंथ होगा तो ही नहीं तो, पिछले मैच में पंत थे तो इस बार भी पंत हैं। स्ट्रेट, आखिरी गेंद थी, 4, मुझे तो नहीं लग रहा, 2 रन। ऋषभ पंत सामना करेंगे नए ओवर में फर्नांडो का, पहला ही लॉफ्टेड शॉट कवर से काफ़ी पावरफुल है, ऑडियंस के बीच में 6 रन। फर्नांडो ने नहीं सोचा होगा ऐसे वेलकम होगा, अब नए खिलाड़ी थे पंत, गेंद फुल लेंथ थी भी नहीं, एक और 6 और आई थिंक मैच बॉल टू बॉल सिनेरियो पहुंच जाएगी। बाउंसर आ रहा है, घुमा दिया इसको, मीट जो थी वही गई है दो प्लेयर के सेंटर से और ऊपर से 4, हाइट के ऊपर से निकल गई है खिलाड़ी के, अटेम्प्ट किया बट काफ़ी ऊंचा था, खाली होते तो शायद ही रोक पाते, बाकी तो नहीं। गेंदे 20 कह सकते हो आप कि ये मैचअप इस वक्त, मतलब ग्राउंड शॉट से जीता जा सकता है, बीट स्लो भी था, स्विंग भी किया गिरने के बाद, बाउंस भी मिला पिच को सेट करते हुए, लॉफ्टेड का मूड बनता हुआ, कुछ ज़्यादा पछाड़ रहे हैं, नहीं ये फंस गई गेंद, पैरों पर चिपक गई, 4 का अंतर बरकरार, गैप शॉट, अरे नहीं बना, ओवर थ्रो नहीं, पिछली 3 गेंदों पे धीरे हुए हैं लेकिन जान बूझ के धीरे हुए हैं, आई डॉट स्विंग कर गया गेंद एंगल में बाहर, निर्णायक ओवर 19वां, स्ट्रेट सही है, ऑफ स्टंप पे है, बहुत ही सही, सेंटर गया है, आई थिंक 4 जाएगा, ये हमारी कोशिश कामयाब होती है स्ट्रेट बाउंड्री की,
कोहली खेल रहे हैं भैया, 200 का अराउंड स्ट्राइक रेट है, वो हिट कर रहे हैं तो फिर तो चार जाना ही है। 11 में 13, फिर से वही गेंद लगभग, अब शॉट हमारा फिर से स्ट्रेट है, बट इस बार रुकने के चांस है, बट वो भी नहीं रुक पाए। फील्डर पैर टच कर गया उनका, रोकी है पर पैर तो टच कर गया ना। 10 गेंदों में 9, भाई बीट 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 बीट, सामान्य गेंदबाजी की है मैं कहूँगा। फील्डिंग में गैप कवर पर, 4 बन गया। नहीं 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 नहीं, टीम एफर्ट दिखाते हुए 2 पे रोकते हुए, काफ़ी अजीब तरीके का टीम एफर्ट था। फील्डिंग करते करते उछाल दी गेंद फील्डर की तरफ, है तो स्ट्रेट, है तो लॉफ्टेड, और ये 4 लगा है, इंडिया बराबरी पे आता हुआ। एक ओवर में 1 रन रह जाता है। अंडो गेंदबाजी में 1 ओवर 1 रन 1 शॉट की बात है, लेट्स हिट इट। स्विंग गेंद गुड लेंथ से बाउंस कर गई, बीट हुए हैं, पिछला शॉट भी ग्राउंड ही था। इस बार कैप में, और इसी के साथ इंडिया ने सुपर 4 की पहली जीत हासिल कर ली है, 1 रन एक्स्ट्रा बना दिया है और यही चाहिए था हमें। और भाई मेरे को लग रहा है ऐसे ही मैच होगा, ऐसा है ना, एग्जैक्ट ऐसा ही मैच होगा। भले हो सकता है लास्ट ओवर में जाए, बट वो रोमांचक वाली फीलिंग नहीं आएगी। हाँ बीच में कुछ मोमेंट्स आएंगे जहाँ लगेगा कि नहीं ये जीत सकता है वो जीत सकता है, बट जीतेगा तो इंडिया है। इसी के साथ लेते हैं हम लोग विदा, लेकिन मैन ऑफ द मैच वनिंदु हसरंगा बने हैं अपनी 50+ पारी और 2 विकेट के कारण। लेट्स सी कौन जीते। आपको क्या लग रहा है भाई, श्रीलंका कर पाएगा सरप्राइज? मुझे लग रहा है नहीं कर पाएगा, आप लोग कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो स्ट्रीम में 3 बजे की हमारी स्पेशली, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टाटा, गुड डे।